नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का वार्ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं देवरिया की खबर। देवरिया विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के तीसरे दिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सदस्यों श्री एस त्रिपाठी ने कर्मियों के साथ निरीक्षण कक्ष का जायजा लिया। नामांकन दाखिल करने में पथरदेवा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रताप शाही, देवरिया सदर से सलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना से बसपा प्रत्याशी पुष्पा देवी, बरहत से कांग्रेस प्रत्याशी रामगिरी, रामपुर कारखाना से सपा प्रत्याशी गजाला लारी अन्य ने पर्चा दाखिल किया। 24 घंटे जिस तरह देवरिया में विद्युत अबाध रूप से विद्युत की आपूर्ति होती है, बरहज में विद्युत आपूर्ति 24 घंटे हो, इन सब चीजों को लेकर के बहुत से गांव वहां पर बाढ़ की विभीषिका से हर साल जूझते हैं और बाढ़ से कटते भी हैं। जैसे परसिया कूरा जैसा गांव आज पानी में विलीन हो गया, नदी में विलीन हो गया, तो जो अवशेष गांव नदी के किनारे बचे हुए हैं उनको बचाने के लिए वहां पर ठोकर लगाया जाए और पानी का डाइवर्जन, पानी को मोड़ करके उन किनारे के गांवों को और खास तौर से बरहज नगर को।